एक सेठ की कहानी। ना दौलत रहा ना जीवन। एक सेठ जी थे जो दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे। उन्हें तो बस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। धीरे धीरे पर आखिर वे नगर के सबसे धनी सेठ बन ही गए। इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक शानदार घर बनवाया। गृह प्रवेश के दिन उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया। जब सारे मेहमान चले गए तो वे भी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। थकान से चूर जैसे ही बिस्तर पर लेटे, एक आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी। मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़ कर जा रही हूँ। सेठ घबरा कर बोले, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना मैं तो मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने वर्षों के तंतोर परिश्रम के बाद यह सफलता अर्जित की है। अब जाकर इस सफलता को आमोद प्रमोद से बहुने का अवसर आया है। 100 वर्ष तक टिके ऐसा मजबूत मकान मैंने, यह करोड़ों रुपए का सुख सुविधा से भरपूर घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनवाया है। तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, तुम यहाँ से मत जाओ। आत्मा बोली, यह मेरा घर नहीं है, यह घर तो तुम्हारा शरीर का था। स्वास्थ्य ही उसकी मजबूती थी, किंतु करोड़ों कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की अवहेलना की है। मौज शौक के कबाड़ तो भरता रहा पर मजबूत बनाने चिंतित भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल्य तन को नाश ही कर डाला है, आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा। अब इसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी बीमारियों ने घेर लिया है। तुम ठीक से चल नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा दिल भी कमज़ोर हो चुका है। तनाव के कारण न जाने और कितनी बीमारियों का घर बन चुका है यह तुम्हारा शरीर। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जरित घर में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमज़ोर व असुरक्षित दीवारें हो, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, फर्नीचर को दीमक खा रही हो, प्लास्टर और रंग रोगन उड़ चुका हो, ढंग से साफ सफाई तक ना होती हो, यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी रहती हो, जिसकी छत टपक रही हो, जिसकी खिड़की दरवाजे टूट रहे हो, क्या रहना चाहोगे? ऐसे घर में नहीं रहना चाहोगे ना, इसीलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रह सकती। सेठ पश्चाताप मिश्रित भय से कांप उठे। अब आत्मा को रोकने का ना तो समर्थ और ना ही साहस सेठ में बचा था। एक गहरी निस्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ के शरीर से निकल पड़ी। सेठ का पार्थिव बंगला में पड़ा रहा। सफलता अवश्य हासिल कीजिए, किंतु स्वास्थ्य की बलि देकर नहीं। अन्यथा सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी अपनी सफलता का लुत्फ़ उठाने से वंचित रह जाएंगे।